इसराइल की सेना लेबनान में दाखिल हो गई है। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने मंगलवार सुबह ये जानकारी दी। आईडीएफ ने कहा कि सोमवार रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकाने और बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए सीमा से लगे गांवों में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया। इसराइली सेना ने कहा कि वो सीमा के नजदीकी गांवों को निशाना बना रहे हैं और यहीं से हिजबुल्ला इसराइल पर हमला करता है। आईडीएफ ने कहा कि इस हमले के लिए उनके सैनिकों ने हाल ही में ट्रेनिंग ली थी और ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। वह इसराइली एयरफोर्स भी इसमें शामिल है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसराइल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि राष्ट्रपति बाइडन ने सोमवार को इसराइल और लेबनान के बीच तुरंत सीज़फ़ायर की मांग की है। जानकारी के अनुसार साल 2006 के बाद ये पहली बार है जब इसराइली सेना लेबनान में घुसी है। तब इसराइल और हिजबुल्ला के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी। इसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे। वहीं इसराइल के 165 लोगों की मौत हुई थी।